एकादशी का उपवास तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, उसमें भी हमारा रजोगुण होता है। कैसा होता है? ये खाना है मुझे, वो खाना है, ये खाना ये मुझे पसंद लगता है, ये बनाओ ये बनाओ, ये रजोगुण आ गया ना। और एकादशी के दिन निर्जला रख दिया, क्या कर रहा बोला, निर्जला रखिए, क्या करना है, सारा दिन सो के टीवी देखना है, उत्तम गुण आ गया। हमको पता है, पता ही नहीं पड़ता है कि हम कितना अपने आप को इन गुणों के ऊपर छोड़ देते हैं कि ठीक है कर रहा हूं, लेकिन किस समय मैं क्या काम किस भाव से कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मायने रखता है। केवल एकादशी के दिन उपवास रख लेना ही काफी नहीं है, अगर हम उसके अंदर मंगल आरती पे नहीं उठते हैं, अगर हम अपनी चैंटिंग नहीं करते हैं, अगर हम सेवा साधना नहीं कर रहे हैं, तो भूखे तो भिखारी भी रह लेते हैं जी, है ना। भूखा रहने से थोड़ी ना भगवान प्रसन्न होते हैं।